से माय नेम प्लीज, क्यों गई, क्या किया ऐसा तुमने अपने जीवन में जो तो मैं तुम्हारा नाम लूं, ढंग से पढ़ाई कर लो। हेलो पीयूष, यस सर, यस सर। अरे कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था इसलिए हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, है ना। जी कुछ सर, कोई बात नहीं। मेजर नेटवर्क इशू था। और बताओ, सॉरी काफी बच्चे कनेक्ट हाँ नहीं जी, कर कोई पाएंगे, बात बातचीत नहीं हो पाएगी। मैं फिर से बता दूं, ये पीयूष है और कितने मार्क्स आ रहे हैं पीयूष, रैंक क्या है, आप फिर से बता दो एक बार। नहीं। हाँ सर, नहीं, 2023 में मेरा स्कोर 706 है और मेरा ऑल इंडिया रैंक 88 है। 706, 706, और ऑल इंडिया रैंक 88 है। बहुत बहुत बधाई हो, सैल्यूट है भाई तुम्हें, जोरदार। कहाँ से हो? सर, वैसे तो अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, बट मेरा ओरिजिन मुजफ्फरपुर बिहार है। मुजफ्फरपुर बिहार है और दिल्ली में रहते हैं आप, और आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर, मेरे पिताजी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं और मेरी माताजी होम मेकर है। बहुत बढ़िया। दिल्ली में कहाँ से हो? दिल्ली में सर, नांगलोई में रहता हूँ मैं। नागलोई में रहते हो, और बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले, घर वालों को भी बहुत बहुत बधाई हो कि यार तुमने एकदम झंडा गाड़ा है। तुम्हारे घर में कोई इंजीनियर, डॉक्टर या गवर्नमेंट जॉब में है? नहीं सर, कोई मतलब काफी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मतलब मेरी फैमिली में कोई ऐसा अभी तक तो नहीं है जो ऐसा सोचता हो, बट हाँ, लास्ट 5 ईयर से मेरे भैया गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे थे, बस लास्ट मंथ ही उन्होंने ज्वाइन किया है इंडियन रेलवेज में। ओके ओके, बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पीयूष है और इनका सिलेक्शन इस बार नीट 23 में हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इस साल सेल्फ स्टडी कर रहे थे और ये जेन्यून रिजल्ट है, मतलब मैंने इनका मार्कशीट देखा है खुद से, मैंने वेरीफाई किया, तभी मैं इनसे बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये लास्ट ईयर यकीन से पढ़े थे, राइट? लास्ट ईयर जो यकीन 2022 का बैच था उससे आपने पढ़ाई किया था, इस बार कंप्लीटली एक साल जी आपने ड्रॉप किया है, खुद सेल्फ स्टडी किया है। जी सर। लास्ट ईयर मार्क्स कितने थे तुम्हारे? सर 615। 615 नंबर थे। अरे यार, 615 नंबर पे तो आदमी को मतलब कॉलेज ले लेना चाहिए, तुमने ड्रॉप किया। सर, रीजन ये था कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मतलब मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था और मैं पेपर में भी 642 का करके, मतलब नंबर का करके आया था, बट क्योंकि मैंने ज्यादा OMR प्रैक्टिस नहीं की थी, इसलिए OMR में काफी मिस्टेक हो गई और 615 नंबर ही रिप्रेजेंट कर पाया मैं OMR पे, तो इसलिए मैं काफी डिसअपॉइंटेड था। और दिल्ली से भी बाहर जाना पड़ता है इस स्कोर के कारण मुझे, तो इसलिए तुम्हें लग रहा था घर कि वालों ने भी नेक्स्ट कहा। ईयर, 700 ले आएगा, तुम्हें ऐसा लगा था? सर उस टाइम तो मतलब अंदर से अपने आप पे तो भरोसा था ही, घर वालों को भी भरोसा था, बस उस टाइम इतना डिसअपॉइंटेड था कि मतलब बिना कुछ मैंने ज्यादा सोचे समझे बस स्टार्ट कर दिया। और मतलब बहुत बढ़िया। कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब मैं 1 साल बाद नहीं की सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसा कि आपने बताया कि मतलब मैंने आपने भी बताया लोगों को कि बच्चों को कि मैंने एक टेस्ट सीरीज परचेज कर ली थी, तो मतलब मैं हमेशा अपने नेक्स्ट टेस्ट के बारे में सोचता था। मैं कभी भी नीट के बारे में उतना चिंता नहीं करता था कि उसमें क्या होगा। मेरा अप्रोच था कि मतलब इसमें बेटर कर सकूँ, तो वही मैं शायद नीट में जाके रिप्रेजेंट करूंगा। तो तुमने लेक्चर लास्ट ईयर सारे देख लिए थे, सारे नोट्स बना लिए थे, तो जी हाँ फिर इस साल तुमने बेसिकली किया क्या? मतलब इस साल मतलब जब तुम्हें सारे नोट्स बन गए थे तो क्या तुमने पुराने लेक्चर दे के नोट्स रिवाइज किया, ये दोनों काम किया? सर, लेक्चर तो नहीं देखे, बट नोट्स को बेसिकली मैं उतनी डेप्थ में पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जो भी आपने लेक्चर में बात बताई हो उन सबको मैं मेमोराइज रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था, और एक बार लेक्चर हो जाने के बाद मैंने सारे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है, सबकी एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़ी। कई बार मतलब शुरुआत में तो मैंने फिजिक्स में भी एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी किए, क्योंकि मुझे लग रहा था टाइम ज्यादा, बट आगे क्योंकि ज्यादा उतना तुम्हारे टाइम पास नहीं था तो तो। मतलब इस साल बेसिकली तुमने अपने सब्जेक्ट को तो पिछले साल तैयार कर लिया था, क्योंकि 615 नंबर अगर तुम ला रहे हो, और शायद तुमने बोला था 650 नंबर का पेपर करके आया था तुमने नीट 22 में, तो तुम्हें ऐसा लग रहा था कि जी तुमने हाँ सब कुछ तो पढ़ा ही है, मतलब प्रिपरेशन तुम्हारी ऑलमोस्ट 100% थी, लेकिन कहीं ना कहीं खराब होने की वजह से तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ा। तो ये काफी मोटिवेटिंग स्टोरी है तुम्हारा, सभी बच्चों के लिए, क्योंकि तुम्हारे 615 से 705 जाना
इट्स नॉट इजी, मतलब ये बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है 615 से 705 जाना, क्योंकि कोई 400 से 500 नंबर ला सकता है, 400 नंबर से 500 नंबर पे जंप करना बहुत इजी है, 500 से 600 भी जंप करना बहुत इजी है, लेकिन 600 से 700 जंप करना इजी नहीं है, वो जी सर, मतलब तैयारी के दौरान मुश्किल भी है। मुझे लगता था कि कई बार मुझे लगता था कि सारी चीजें तो मुझे आती हैं, बट मैं ये भी कई बार फील कर पा रहा था यार कि एक कुछ ना मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। एक मिनट, एक सवाल है मेरा, तुम जी हाँ क्लास तो करते नहीं थे इस बार, तुमने यकीन 22 से लास्ट ईयर से पढ़ा था, इस जी बार हाँ तुम क्लास तो करते नहीं थे, तुम बस एनसीईआरटी पढ़ते थे, नोट्स पढ़ते थे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, फिर भी तुम्हारे पास टाइम बचता होगा, डेली कितने घंटे पढ़ाई करते थे तुम? सर, हम यहाँ पे दो कमरों के किराए, मतलब दो कमरों के किराए के मकान में रहते हैं जिसमें दो फैमिलीज रहती है, तो घर पे वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, इसलिए मैं लाइब्रेरी जाता था। और लाइब्रेरी का करेक्ट, ऐसा था कि सुबह 8 से 10 बजे तक खुली रहती, सुबह 8 से रात के 10 बजे तक खुली रहती थी, तो मैं दिन भर लाइब्रेरी में रहता था और मतलब पूरा टाइम देने की कोशिश करता था। अच्छा, वाह यार, पीडब्ल्यू के बहुत 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 ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स में तुम्हारा भी रिजल्ट एक बहुत मायने रखता है, कई लोग कहते हैं कि कहाँ है रिजल्ट, क्या किया पीडब्ल्यू ने, तो देखो ये किया पीडब्ल्यू ने, है ना, जी जिस जी बच्चे सर, को बिल्कुल डाइट करने वाला कोई नहीं था, जिस बच्चे को मतलब दूर दूर तक फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, वो आज के डेट में टॉपर बन रहा है, 705 नंबर ला रहा है, 706 नंबर ला रहा है, ऑल इंडिया रैंक 88 और ईडब्ल्यूएस रैंक तुम्हारा 3 है, राइट, जी सर है ना, ईडब्ल्यूएस 3 है, पापा आपके सिक्योरिटी गार्ड है, राइट, जी हाँ वाह यार, मतलब तुम पूरे फैमिली के लिए, गांव के लिए, मोहल्ले के लिए एक अलग ही लेवल पे तुम्हारा इमेज होगा, नहीं? जी हाँ सर, सारे लोग काफी खुश हैं, घर वालों के लिए भी, मतलब सोसाइटी में घर वालों के लिए भी इज्जत बढ़ गई है, तो काफी अच्छा लगता है। मतलब सीना चौड़ा होके करके चलते हो एकदम, है ना? अभी तो सर मतलब मैं थोड़ा सा अपने आप को हम्बल फील कराने की कोशिश करता हूँ, मतलब बोलता हूँ कि हाँ थर्ड अटेम्प्ट में किया है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बट हाँ अंदर से अच्छा तो लगता अच्छा थर्ड है। अटेम्प्ट था तुम्हारा, हाँ, तुमने 12 के साथ दिया था, उसमें कितने नंबर आए थे? अच्छा, हाँ सर, उसमें उसमें मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था, बट क्योंकि ये यकीन 22 बैच 1 महीने पहले शुरू हो गया था, तो जो भी पढ़ा था ये सब मैं तैयार करके गया, और सर 294 के आसपास नंबर आए थे। उसके बाद तुमने 600 नंबर ला, तो यार कुछ ऐसे बताओ कि बैच के साथ पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, मतलब क्या नोट्स सारे सब्जेक्ट के पूरे लिखने चाहिए, सारे क्वेश्चन, तुम बताओ, क्योंकि तुम्हारे मतलब तुम सिर्फ एक बार टॉपर नहीं हो, तुम दो बार टॉपर हो, मैं तुम्हें टू टाइम्स टॉपर बोल सकता हूँ, है ना, क्योंकि तुमने नीट 22 में भी 615 नंबर लाए थे, तुम नीट 23 में तुम 705 नंबर लाए थे, तो तुम उन सभी बच्चों के लिए मोटिवेशन हो यार, मतलब बहुत सारे बच्चे मुझे देख रहे होंगे और बहुत बुरा लगता है, लिटरली मतलब सच में बहुत बुरा लगता है जब किसी बच्चे के 580 नंबर आ रहे होते हैं, बहुत मेहनत करता है बच्चा, सच में जी जान लगा के मेहनत करता है, लेकिन उसके 580, 560, 570, 590, 600, 605, 610 नंबर जब आ रहे होते ना, तो लगता है अरे यार, मतलब बहुत मेहनत किया था बच्चे ने, इसके 20 नंबर और आ जाते तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता, तो उन सब बच्चों के लिए तुम मोटिवेशन भी हो, तो यार मतलब उनके लिए बुरा लगता है और साथ साथ में ऐसा रहता है कि यार उनका सिलेक्शन अगले साल हो जाए, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हिम्मत करके तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है ना, तो उन सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो यार ये एग्जाम्पल है, ये मतलब 615 से 705 तक जा सकता है, तो तुम भी जा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, और जाने का जी कोई सर, रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है, जाने का बस एकमात्र तरीका है कि आपको अपना 100% देना पड़ेगा। अच्छा, जब तुम 22 में थे तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे लास्ट ईयर का बताओ? सर, लास्ट ईयर भी मतलब मेरा मतलब मेरे अंदर हमेशा से ये सोच थी कि जितना हम ज्यादा उसको टाइम देंगे उतना अच्छा वो आउटपुट देगी, तो कोशिश करता था ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की। उसमें भी 8 से 10 तक था, बेसिकली जैसे 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 एग्जाम पास आया वैसे वैसे टाइम भी बढ़ाने की मैंने कोशिश, घर पे भी आके पढ़ता था थोड़ा। देखो जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप ना, आपको कुछ डाउट है तो उन सिलेक्टेड बच्चे को ढूंढो और उनसे पूछो, फिर उसके लाइफ को समझने की कोशिश करो, बेटा ध्यान से सुनना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कहते हैं कितना पढ़ना सफिशियंट होगा, अरे भाई कोई लिमिट नहीं है, अगर मान लो तुम पढ़ रहे हो जिससे सिलेक्शन तुम्हारा हो सकता है, तो 2 घंटे ज्यादा दे लो, दे दो ना, क्या तुम टॉपर बन जाओगे, कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है, कोई नहीं बता सकता कितना पढ़ना सफिशियंट है, आप अपना 100% दीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है,
डरिए मत, आप अपना 100% दीजिए और पूरी जान लगा के तैयारी करिए एक बार, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुमने पीवाई क्यों किए थे क्या? जी सर, मतलब लास्ट ईयर तो मतलब 2022 के लिए तो आपके साथ किया ही था जो भी आपने क्वेश्चन कराए थे। इस साल भी डीसी पांडे में पीवाईक्यूज का सेक्शन दिया होता तो मैं सारे क्वेश्चन करता था, तो पीवाईक्यूज भी करता था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या तुमने यूट्यूब में भी लेक्चर्स देखते थे, उम्मीद का या महारिविजन का, ऐसा कुछ? सर नहीं, आपके जो 2022 में ही मैंने लेक्चर लिए हैं, मतलब इस साल के लिए तो एक भी लेने लेक्चर लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे कंसेप्ट बिल्कुल ऐसा लगा कि मतलब आज ही जस्ट पढ़ा है। और हाँ, कई बार ऐसा होता था क्योंकि बैच में हम उतनी डीप में चीज डिस्कस नहीं कर पाते, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस एक लार्ज पार्ट होता है बैच का, तो कई बार मेरे को यूट्यूब पे जाना पड़ता था इन्हीं 2022 के लिए, जब मैं पहली बार चीजों को पढ़ रहा था। तो बेसिकली अच्छा वो अच्छा एक्सप्लेनेशन के लिए था, अब एक ही देखो, लेक्चर मेजोरिटी बच्चा में इस दो बात जगह में ऐसे लेने की इंटरफेयर कर, कोशिश नहीं करता था कभी भी। मेजोरिटी बच्चा इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि तुम्हारे 615 से 705 कैसे आए। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इस बात में इंटरेस्टेड है कि तुम्हारे 324 कितना बताया था, 224, 324, 200 सर, 294, 294। 294 से 615 कैसे आए। भाई देख रहे हो, ये घुस घुस के एक एक को मारूंगा मैं। भाई इनमें से जो मेजोरिटी बच्चा वो सवाल पूछ रहा है कि भाई ये बताओ 224 से 615 तुमने कैसे लाया, 615 से 705 पे बच्चा कैसे, सॉरी 706 पे, एक एक नंबर से बहुत फर्क पड़ता है, 706 पे जी कैसे बच्चा गया, इस बात में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। यही एक सोच का फर्क है कि तुम, छोटी सोच है तुम्हारी, समझ गए, गंदे शक्ल के इंसान, तुम्हारी सोच छोटी है। कभी मैं तुमको डांटता था तो बुरा लगता था तुम्हें? नहीं सर, वो एक्चुअली हमेशा से हेल्पफुल थी, और मुझे पता था अच्छा, कि मतलब शायद वो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं तो हमेशा लाइब्रेरी में फोकस्ड होकर ओ पढ़ता भाई देख रहे हो, इस लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए। जब कुछ गाली दे मास्टर, कुछ डांटे, तो तुम समझो मेरे लिए नहीं है यार, मैं तो पढ़ रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए जो नहीं समझा है ना। वेरी गुड, अच्छा जी सर। लगा तुमसे बात करके। और सभी बच्चों को मैं बता दूं कि ये एम्स दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि इनका रैंक EWS में 3 है ना, सिंगल डिजिट रैंक है, और वैसे AIR 88 है, तो एम्स दिल्ली में बढ़िया यार, एम्स दिल्ली घुमाना। वैसे तो दो तो तीन बच्चे और भी पहले से पढ़ते हैं दिल्ली में, लेकिन तुम जाओ तो मुझे घुमाना हो, और जाके बता देना जी सर, किससे पढ़ गया हो, कभी नहीं आपको होगा। आपसे मैं पूरा कांटेक्ट करूंगा, और आप आएंगे तो मुझे काफी खुशी होगी सर। पूरा एकदम वो फॉर्मल बात कर रहा है, आपसे मैं कांटेक्ट करूंगा, आप आएंगे तो मुझे काफी खुशी जी होगी। जाके सर, बता देना वहां पे कोई रैगिंग नहीं लेगा, एम्स दिल्ली हो या एम्स हरियाणा हो। बिल्कुल। बाकी बच्चे देखो यार, यही सोच का फर्क है ना यार, तुम छोटा क्यों सोचते हो, तुम ऐसा सोचो कि मुझे एकदम आग लगाना है, मतलब एकदम जोरदार तरीके से पढ़ाई करनी है। तुम 705 का सोचो ना, 600 का क्यों सोच रहे हो, जितना बड़ा सोचोगे तभी उसके आसपास पहुंच पाओगे। क्योंकि देखो, तुम जितना सोचोगे ना, उससे मेहनत करते समय कहीं ना कहीं तुमसे गलती होगी, क्योंकि हम इंसान है, हम जितना सोचते हैं उतना तो कभी नहीं हो पाता यार, सही बिल्कुल। बात है ना। हाँ, सर, मतलब ये चीज अच्छा काफी एक बात बताओ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करें तो स्टार्टिंग में किसको ज्यादा समय देना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी? सर बिल्कुल। फिजिक्स में, बायो में तो हम देख ही लेते हैं, बायो में सब कुछ अच्छे से समझ में आता है। फिजिक्स में ये चीजें इस तरह से मूव करती है कि शुरुआत में हम कंसेप्ट तो ले लेते हैं, बट हमारे पास वो स्ट्रेटेजी नहीं है जिस जो हम क्वेश्चन में लगा पाए, तो वो चीज सीखने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम शुरुआत में फिजिक्स को देना चाहिए। मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ इस बात से। स्टार्टिंग में ज्यादा समय फिजिक्स को देना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, लेकिन साथ साथ आपको बायोलॉजी भी उतने मेहनत से पढ़ना है। बायोलॉजी में अगर आपके 360 में से 340, 330, 350 जब तक ना आए, तब तक आप बायोलॉजी फिजिक्स पढ़ने की मतलब एलिजिबल ही नहीं हो आप। जब तक आपके बायोलॉजी में 320 नंबर से ऊपर नहीं आ रहे, तब तक फिजिक्स छुओ मत, जाओ बायोलॉजी पढ़ के आओ। पहले पहले 320, 330 नंबर लाओ, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बायोलॉजी अच्छा नहीं कर पाओगे तब तक सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं। सिलेक्शन के आसपास बायोलॉजी लेके जाता है और सिलेक्शन कराता है फिजिक्स से, सही बात है। जी सर, मतलब एक्चुअली ऑलराउंडर होना पड़ेगा, तीन ही सब्जेक्ट में माहिर होने पड़ेंगे पड़ेगा पड़ेगा हाँ, आपको। अगर जस्ट आप सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, जस्ट सेलेक्ट होना चाहते हो, तो अगर चार सब्जेक्ट में बोलूं, बोटनी,
जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो तुम्हें तीन में एकदम पीएचडी करनी पड़ेगी, चाहे वो तीनों कोई उठा लो, बोटनी जूलॉजी केमिस्ट्री उठा लो, बोटनी जूलॉजी फिजिक्स उठा लो, तीन में तुम्हारी पीएचडी होनी चाहिए, और एक में तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि 120 130 नंबर ले आओ, ऐसा नहीं कि एक में कुछ नहीं आ रहा, वैसा भी नहीं। तो इतना इतना समझो कि तुम्हारा सिलेक्शन के आसपास तुमको बायोलॉजी और केमिस्ट्री पहुंचाएगा, और सिलेक्शन लेके दिखाएगा तुमको फिजिक्स। तो पहले बायोलॉजी इतना पढ़ो कि फिजिक्स पढ़ते समय ना शर्म ना आए, है ना? ऐसा नहीं कि बायोलॉजी में हालत खराब है तो फिजिक्स पढ़ते समय यार मजा नहीं आएगा, है ना? जी सर, और कुछ बच्चों को बताना चाहते हो कि इन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर यही कहूंगा कि अपना डेली प्लान बनाओ, अपना प्लान के साथ कंसिस्टेंट रहो। और मतलब हमें एक साल बाद नीट के लिए नहीं सोचना है, हमें आज के लिए सोचना है, हमें अभी के लिए सोचना है ना? वाह, तो यही कंसिस्टेंट रहो और धीरे धीरे तुम्हें अपने आप पता चल जाएगी सारी चीज। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं कभी भी किसी के पास स्ट्रैटेजी के लिए नहीं भागा। मतलब धीरे धीरे चीजें अपने आप दिमाग में क्लिक करती कि हाँ ये चीज करे तो बेटर होगा। और जब वो ऐसी चीजें क्लिक करती है तो इस प्रोसेस में मजा आने लग जाता है, जिसके बाद आगे की राह बहुत ही आसान हो जाती है। तो वेरी ये कि गुड, कंसिस्टेंट रहो, प्लान को फॉलो करो अपने। बहुत बढ़िया। तुमने जो एक बात कही है आज, मैं भी बच्चों को आज दिन में ही मैंने ये बताया था कि यार सिलेक्शन ना नीट वाले दिन नहीं होता है, तुम नीट वाले दिन के बारे में मत सोचो, तुम आज के बारे में सोचो। मतलब नीट की या जेई की तैयारी करना अंधेरी रात में दिया लेके चलने जैसा है, कि आपको ज्यादा दूर तक रास्ता दिखेगा ही नहीं, आपको बहुत थोड़ी दूर तक रास्ता दिखेगा। पहले आप उतना चल के आगे बढ़ो, फिर आपको आगे का रास्ता और क्लियर होगा, फिर आप आगे बढ़ो। आपको आज को जीना है, आज को बेहतर बनाना है, आज को इतने कॉन्फिडेंस में लेना है कि तुम्हें लगे कि हाँ यार अगर मैं ऐसा चलता रहा तो सेलेक्ट हो जाऊंगा। ये होता है एक्चुअल में। बाकी आप स्ट्रेटजी या क्या सफिशियंट है क्या इनसफिशियंट है, घूमते रहोगे साल भर, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। जी सर, जो भी आपको दिया जा रहा है उसको डाई हार्टेडली फॉलो कीजिए, मतलब वो सफिशिएंट है फॉर श्योर, है ना? बढ़िया यार, आज काफी खुश लग रहे हो तुम हाँ यस सर, आपको देख के काफी अच्छा लग रहा है। तो। अब ये भी सर इनफॉर्मल लगे काफी, बट हाँ ये 100% ट्रू है। बिल्कुल बिल्कुल, मिलेंगे कभी, है ना? दिल्ली में रहते हो तो बिल्कुल मिलेंगे आपसे, है ना? और बाकी बच्चों को भी जो देख रहे हैं, जो सेलेक्ट हो गए, ऑल द बेस्ट। जो नहीं हुए हैं, बच्चा मेहनत करो यार, एक बार जीवन में सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और इन सब छोटी छोटी चीजों से ना ऊपर उठो। क्या करना है, क्या सफिशियंट है नहीं सफिशियंट है, जान लगा के किसी पे भरोसा करो और मेहनत करो। फिर सबसे ज्यादा सफिशियंट जो होता है ना, वो तुम्हारा मेहनत होता है। मेहनत करोगे ना तो आगे लगा दोगे, मेहनत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। रोज अगर 5 6 घंटा पढ़ोगे लगातार, 6 7 घंटा रोज पढ़ोगे, लेक्चर देखोगे, सब बढ़िया होगा, है ना? घबराना नहीं है, ठीक है पीयूष? घर वालों को भी जी बधाई सर, मेरी तरफ से, है जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ना? चलो, अच्छा लगा तुमसे बात करके यार, बहुत अच्छा लगा। और जी सर, एक चीज और, बहुत बच्चे कहते हैं कि सर लास्ट ईयर का लेक्चर सफिशियंट है कि नहीं, तो लो भैया ये तो इस साल का लेक्चर ही नहीं देखा है, तो लास्ट ईयर का लेक्चर देख के इस बार 706 नंबर ला रहा है। मतलब नहीं, लास्ट ईयर का दोस्तों लेक्चर सर इस बार मैंने दोबारा नहीं देखा था, वही एक बार देखा था, वही मतलब नहीं, तो एक बार। एक बार 2022 में तुमने पढ़ा ना भाई, उसी जी 2022 सर, के लेक्चर से ही तो इस साल तुम्हारे तुम्हारे मेहनत से आए, लेकिन तुमने पूरा कंटेंट वहीं से फॉलो किया ना। जी 2022 के जी सर, लेक्चर से ही मतलब 2023 में वही 706 आए ना, जी सर, बिल्कुल वो नोट्स पढ़ के ही आए हैं बिल्कुल। तो ये इन बच्चों को ये चीज भी थोड़ा मोटिवेट करेगा कि भाई पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सिलेबस चेंज जब तक नहीं होता है तो अलग सर्किट। 2021 के लेक्चर भी उतने ही सफिशियंट है जितना आज के लेक्चर सफिशियंट है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब बहुत जी प्योर बिल्कुल, हार्टेड में बोलूं तो आज अब अलग सर ने जो 2021 में यकीन का पहला बैच कराया था, उससे भी पढ़ के तुम्हारे 700 नंबर आ सकते हैं यकीन 24 में। कुछ नहीं होता जी सर, भाई, इम्पोर्टेंट होता है खुद की मेहनत, खुद की लगन, खुद की पढ़ाई, वो करोगे मजा आ जाएगा। आज भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। अब मैं बोलूं, अलग सर ने जो 2021 में पढ़ाए थे उससे पढ़ के बच्चे 23 में सेलेक्ट हुए हैं, 2024 में भी होंगे, 2025 23 में भी होंगे। तो जब सिलेबस ही चेंज नहीं हुआ है तब तक काहे नेतागिरी करते हो? हाँ मुझे पता है कि आपका सर कैरियर है, आपका फ्यूचर है, तो आपको मतलब सोचना बनता है, लेकिन यार आंख बंद करके आप 2021 से लेकर के 2024 के किसी भी यकीन के लेक्चर से पढ़ो,
एक बार मेहनत करो, मजा आ जाएगा। जी हाँ ठीक है, तो ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए भी कि एक AIR 88 अच्छा लगा, बस अब क्या बोलूं मैं जी हाँ है ना। चलो गुड नाइट, बाय बाय, फिर जी सर, बात करते रहेंगे धन्यवाद सर। अपन, धन्यवाद।